स्टूडेंट्स, मैं अनुज शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसी का नया टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, पहले आपको ये बताते हैं। ये हमने यहाँ टॉपिक लिख दिया कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? को मीन्स होता है शेयरिंग करना, कोवेलेंट शेयरिंग, और वैलेंट मींस होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंट मींस हुआ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो नाम इंडिकेट कर रहा है वो मींस शेयरिंग और वैलेंट मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनता है तो उसको नाम दिया गया है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एक्चुअल में होगी क्या, अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ क्लोरीन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हमने बनाए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्होंने इनसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया और इन्होंने भी इनसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, इसको नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से डेफिनेशन इंडिकेट करेंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता कितने टाइप का है, पहले हम ये बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो टाइप का, एक होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहला है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा उन एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर नियरली सेम या बिल्कुल सेम होती है, और ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पहले हम आपको ये बताते हैं और फिर एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम एक टॉपिक पर रहते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले हमने यहां हेडिंग लिखा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पर हाइड्रोजन को लिया आउटर मोस्ट में 1, दूसरे हाइड्रोजन को लिया आउटर मोस्ट में 1, इन्होंने इन्हें स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, तो इन्हें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर सिंगल बॉन्ड बना। यानी कि द बॉन्ड which is formed by the sharing of only one pair or two electrons is called single covalent bond. और single covalent bond को single line से represent किया जाता है। इसके बाद एक example और ले लेते हैं single covalent bond का। ये chlorine लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electron बना दिए हमने chlorine में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक chlorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्होंने इनसे एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को देखिए आउटर मोस्ट में 8 हो गए, इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया इनके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सीएम। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो ये कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऐसे, और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये ऑक्सीजन लिया, दो ऑक्सीजन एटम हमारे सामने है और दोनों के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्होंने स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इन्होंने भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, यानी दो पेयर की शेयरिंग।
यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स या टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कोई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। एक एग्जांपल और यहां देता हूं कि ये मैंने C2H4 यानी कि इथीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया यहां पर, यानी कि कार्बन बनाया 1 2 3 4, यहां पर भी एक कार्बन बनाया 1 2 3 4, हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन एटम हमने यहां पर यूज कर दिए 4, 1 1 इस आउटर मोस्ट में है, यहां पर भी आउटर मोस्ट में 1 1 है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। अब कार्बन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो कार्बन 2 इन दोनों हाइड्रोजन से ले, 2 पड़ोस वाले कार्बन से ले, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी कंडीशन में ये वाला भी अपने आप को स्टेबल करेगा। तो अब आप देखें कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड आना चाहिए, और यहां पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में एक एक पेयर या दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो ये हुआ आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से याद हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल से ही हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का, N2 का, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यानी कि आप 3 3 इलेक्ट्रॉन इधर बना दीजिए और 2 2 इधर बना दीजिए। अब इस नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों के बीच में देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड आसानी से आ जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को दो टाइप में डिवाइड किया पहले हमने, एक को नाम दिया नॉन पोलर, दूसरे को नाम दिया पोलर। नॉन पोलर के 3 पार्ट किए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन में 3 लाइन खींचते ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो टॉपिक है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? मैंने भी बोला कि व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर देन दे गेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ चार्जिंग इज पोलर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। यानी जब पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको नाम दिया हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl का, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, एक ले लिया, इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, एक ले लिया। लेकिन होना क्या चाहिए, जब दोनों में शेयरिंग हुई है तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये वाला, ये कायदे में बीच में आना चाहिए। बट यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन इस पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, जब ये अपनी तरफ खींचता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो इसी को नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर एंड वन एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, नाउ गेट्स पार्शियल नेगेटिव एंड अदर विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। This is polar molecule. Similarly, हम आपको 2-3 एग्जाम्पल और बनाते हैं। जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल माना जाता है इस तरीके से, है ना, पार्शियल इस पर निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखें, ये भी पोलर मॉलिक्यूल में ही आता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव।
ये जितने भी मॉलिक्यूल ये सब पोलर मॉलिक्यूल में काउंट होते हैं क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप और उनका एक्सप्लेनेशन। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स सुनिएगा, बहुत सिंपल है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो पोलर जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाटर में, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में घुल जाते हैं जबकि नॉन पोलर पानी में नहीं घुलते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कोवेलेंट कंपाउंड तो है लेकिन फिर भी गुड कंडक्टर माना जाता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज इट इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड में आता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं कुछ। इनके एमपीबीपी भी ज्यादा ही होते हैं क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड से इनका एमपीबीपी कम माना जाता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेटिक वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल बनाए कैसे जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको इस टॉपिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बताना चाह रहा हूं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी आप ध्यान से सुने। तो ये टॉपिक हुआ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम लोग डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इसको कुछ लोग डबल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसे एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादा एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारे यहाँ किताबें चल रही हैं सब में एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लेते जनरल बात करते हैं, एक हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास कोई एटम ए है, इसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है और ये एटम बी है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए नहीं। तो पहले क्या करता है, ये ए एटम इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन और साइन पॉजिटिव, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन साइन नेगेटिव। अब दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज भी आया और एक एक इलेक्ट्रॉन भी आया। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, यानी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है लेकिन इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर किया गया है। तो अब यहां पर एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सिंपल एग्जांपल से आपको फिर एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। यहां पर हमने SO2 ले लिया, SO2 क्या किया, S को बनाया 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ये सल्फर अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को स्टेबल कीजिए, इससे ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबल हो गया, ये ऑक्सीजन इससे दो इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल हो गया। अब सल्फर को अपनी स्टेबिलिटी के लिए केवल दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो इस ऑक्सीजन से ले चाहे वो इस ऑक्सीजन से ले। मान लेते हैं इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो सल्फर ने इधर तो बनाया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरफ आप देखिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं लिए नहीं है, यानी कि डेटिव बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और हेड ऑफ द एरो, ये हेड दिखाई दे रहा है, हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ रहता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी तरफ इसकी टेल रहती है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से प्रेजेंट करते हैं और इसका हेड रहता है एक्सेप्टर की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी तरफ रहती है इसकी टेल। तो एक एग्जांपल तो ऐसा हो गया, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल O3 भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दीजिए, इस ऑक्सीजन को भी दो दीजिए, ये किसी एक से दो ले लेता है, मान लेते हैं इस बार इधर से कर देते हैं, तो यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और यहां कोऑर्डिनेट।
तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम एज वेल एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नई एक डेफिनेशन भी आएगी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज कॉल्ड डेल्टिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड से लगभग मिलती जुलती हैं। इसी में एक एग्जांपल आता है H2SO4 का, H2SO4 का है ना। इस एग्जांपल को हम आपको ड्रा करके बताते हैं। सल्फर को आप बीच में बिठा दीजिए, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए ऐसे करके, और दो हाइड्रोजन कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहां लगा देते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 होते हैं। ये हमने ऑक्सीजन के बना दिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में भी आप 6 बना दीजिए, इसके आउटर मोस्ट में भी आप 6 बना दीजिए। बेटर कोशिश ये करिएगा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाए तो सल्फर के आप थोड़ा क्रॉस से बना दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और हाइड्रोजन के सर्किल से बना दीजिए, सभी के इलेक्ट्रॉन अलग अलग रिप्रेजेंट करिए, ज्यादा बेटर होगा। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से ले लिया। इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से ले लिया। इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन से और एक सल्फर से लिया। इस ऑक्सीजन को भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन दो चाहिए, यहाँ से उन्होंने ले लिया। अब ये दो ऑक्सीजन सल्फर से ले लेते हैं ऐसे और स्टेबल। अब सल्फर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो कैसे करेगा? सल्फर अपने आप को स्टेबल करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन इन दो ऑक्सीजन से लेता है। इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सल्फर ने इधर एक लिया, एक दिया, इधर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इस तरफ दोनों तरफ एरो बन जाएगा, मीन्स ये स्टेबल हो गए। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। सल्फर ने डोनेट किया, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, तो सल्फर की तरफ टेल है, ऑक्सीजन की तरफ है। तो ये हमने आपको बताया इस वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इनको आप आज एक बार रिवाइज करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवेलेंट।